चलिए बात अगली खबर की। सेवादल अध्यक्ष को शपथ दिलाने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सीएम कमलनाथ ने कहा कि सेवा दल शोबाजी नहीं करता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में पहली बार प्रजातंत्र की सौदेबाजी हुई है। इतना ही नहीं, उपचुनाव तक सेवा दल की हर क्षेत्र में लिस्ट बनाने की बात भी कही गई है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपको बहुत सारी आशाएं थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा का चुनाव रहा, 12.5 महीने बचे, 1 महीना उथल पुथल में गया, 11.5 महीने बचे। 11.5 महीने में कांग्रेस की नीतियों और नीति का परिचय हमने पूरे प्रदेश को दिया। यह कि कांग्रेस की सरकार नहीं रही बड़े दुख की बात है, कोई दुख की बात नहीं, मुझे कोई बात के दुख नहीं है। एक बात का दुख है कि बहुत सारी चीजें जो शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, जो शुरू करनी थी वो शुरू नहीं हो पाई। आज हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं, भाजपा के संगठन से है, और एक संगठन का बहुत बड़ा अंग आप जो यहां सामने बैठे हैं सबसे बड़ा, ये हमारा मुकाबला। कोई लंबा चौड़ा शोबाजी मत करिए, सेवा दल शोबाजी दल नहीं है। पहली दफे प्रजातंत्र के साथ इतना खिलवाड़ हुआ, सौदे की सरकार बनानी, तो प्रजातंत्र का मतलब क्या, संविधान का मतलब क्या? बोली बोल दो, बोली बोल दो, अगले चुनाव में सब आइए, बोली बोलिए और सरकार बना लो, बोली की सरकार बना लो।